कि अगर सिर्फ पूरे कुरान में ये एक ही सूरह नाजिल होती तो तमाम इंसानों की हिदायत के लिए ये काफी होती और ये कौन सी है ये असर है जो आज हम कवर करेंगे और इसके साथ ही हम कवर करेंगे सूरा हुमजा, तो उसके लिए भी इनशाला आप लोग इंतजार कीजिएगा बहुत ही दोनों पावरफुल सूरज हैं तो आगाज करते हैं जी सबसे पहले सूरत असर के साथ जहां पे ने एक कसम खाकर इशाद फरमाया असर वफी खुसर के असर कहते हैं यानी असर का वक्त जो होता है ये यानी असीर कहते हैं अरबी जुबान में जूस को आ, तो अस, असर का वो वक्त होता है जिस तरह जूस को जब निचोड़ा जाता है तो जूस सारा निकल जाता है इसी तरह से असर का वक्त ये वो टाइम होता है जब दिन जो है उसको निचोड़ लिया गया है और अब रात आने वाली है क्योंकि आपको पता है कि हमारे इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जो दिन है उसका आगाज जो है वो मगरब से होता है इसीलिए जब रमज़ान का चांद नजर आ जाता है तो उसी रात से रमजान शुरू हो जाता है रमजान का महीना इसी तरह से जब ईद उल फितर का चांद नजर आता है तो उस रात को फिर तरावी नहीं होती क्योंकि अब रमजान नहीं है और अब जो है ये ईद की तैयारी लोग शुरू कर देते हैं तो हमारा दिन जो है वो मगरब से शुरू होता है इसका मतलब ये हुआ कि मगरब से लेकर अगले दिन मगरब तक तो असर का वक्त ये होता है कि इसके बाद फौरन मगरब का टाइम होता है तो असर और मगरब के बीच में जो गैप है बस यही थोड़ा सा गैप रह जाता है तो अला साल तो फरमा रहे हैं वाला सर उस वक्त की कसम जो हमारे हाथों से निकल रहा है और बस अपने खत्म को आ रहा है क्योंकि अगर आप देखें अभी इस वक्त इंसानियत को और इस दौर को नबी करीम अलैहि वम ने फरमाया था कि मेरा आना और क्यामत का आना इस तरह से यानी मेरे बात कोई नबी नहीं है मेरे बात कोई और किताब ने नहीं आना मेरे बात कुछ नहीं बस अब मेरे बात बस अब इसके बाद क्यामत ही है तो यकीन वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा है अल्लाह तसम खाते हैं अच्छा कसम खाकर जब आप उसके बाद इन अल इंसान फिर ताक़ीद से कहा गया यकी तमाम इंसान क्लासरूम में जाता हूं और मैं कहता हूं एक बात कसम खाई कहता हूं खुदा की कसम तुम सारे फेल हो गए हो तो क्या किसी एक बच्चे को भी जहन में आएगा कि नहीं मैं बच गया हूं जब मैंने कहा है खुदा की कसम तुम सारे फेल हो तो यकीन सब सोचेंगे भाई फेल हो गए हम तो गए लेकिन फिर मैं कहता हूं कि खुदा की कसम तुम सारे फेल हो सिवाय उसके जिसकी अटेंडेंस 80 परसेंट से ऊपर थी और जिसके मिड टर्म्स में 80 परसेंट से ऊपर नंबर आए और जिसके फाइनल में 70 से ऊपर नंबर आए और जिसके कोई और चीज बताता हूं ठीक है तो अब मैंने कुछ कंडीशन लगा दी है कि वैसे तो सारे फेल हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेल्ड ज्यादातर लोग फेल हो गए हाँ अगर कोई बचा है तो वो इन क्वालिटीज वाला बचा है अदरवाइज सारे फेल हैं अल्लाह सुबहान ताला ने कसम खाई उस वक्त की जो हमारे हाथों से निकल रहा है ना अच्छा जब वो पैदा होता है और अगर वो पैदा होने के बाद पढ़ाई शुरू करता है कुछ भी नहीं करता तो वो क्या वो कामयाब हो जाएगा या खजारे में होगा यानी अगर एक इंसान जो है किसी जगह पर भी उसका एडमिशन होता है वहां जाके वो कुछ ना करे स्कूल जाता है ना वो अटेंडेंस उसकी पूरी है ना वो असाइनमेंट सबमिट कर रहा है ना वो मिड टर्म देल दे रहा है कुछ नहीं कर रहा है तो नहीं पास कर देंगे अशरफुल मखलूक थे बहुत बहुत शुक्रिया भाई जजाक खैर आप हमारे स्कूल में आए हम आपको वैसे ही पास कर देते इस तरह कोई पास नहीं करता उसके लिए कुछ करना पड़ेगा उसको यानी सिर्फ इंसान होने के नाते आप पास हो जाए ऐसे नहीं है इन अल इंसान अगर आप इंसान है तो आप खसारे में है अनलैस की आप कुछ करें अल्लाह तरमाते हैं वक्त की कसम वो वक्त जो हाथों से निकल रहा है उसकी कसम अल्लाह ताला खा रहे हैं कि तमाम इंसान खसारे में हैं और अगर वो उस खसारे से निकलना चाहते हैं तो कुछ करना होगा उनको ये ये हम लोग दुनिया में भी देखते हैं जैसे मैंने स्कूल की मिसाल दी यही मिसाल अगर हम लोग वर्क प्लेस में लगा लें एक बंदा उसको किसी टॉप मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से जॉब मिल जाती है और जॉब मिलने के बाद वो क्या करता है कि वो वहां पहुंचता है और सारा दिन कुछ नहीं करता चाय पीता रहता है उसका बॉस आके उसको फाइलें दे गया इस पे काम करना ये कुछ क्लाइंट्स को करनी है ये कर देना वो कुछ नहीं करता सारा दिन टेबल पर बैठा रहता है तो उसी दिन उसकी छुट्टी हो जाएगी भाई निकलो यहां से तो वो खसारे में है अगर वो कुछ ना करे तो अगर आपने खसारे से निकलना है चाहे दुनिया के अतबार से या दीन के से तो भाई कुछ तो करना होगा क्या करना होगा वो आगे आ रहा है वो अला सरसान आमनिहात तो वह सबर ये चार सब्जेक्ट हैं जो आपने क्लियर करने हैं खसारे से बाहर निकलने के लिए अगर कोई शख्स मुझसे ये पूछता है कि ज्यादा ये बताइए कि इस्लाम में पास होने के लिए मुझे कम अज कम क्या करना चाहिए कम अज कम बताए वट इज द बेयर मिनिमम मतलब मैं अगर पास होना चाहता हूं मुझे कम से कम क्या करना चाहिए तो उसका जवाब ये है वैसे इसके साथ एक साइड नोट है वो ये हम लोग दुनिया के मामले में ये कभी नहीं कहते कि मुझे कम से कम क्या करना चाहिए कि जया भाई मैं जिंदगी में ना बस सर्वाइव करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए तो मैं, चाहिए? तो मैं भाई खाना खाओ कोई नॉर्मल से कपड़े पहन लो और अपने पास एक छत रखो यू विल सर्वाइव दुनिया के मामले में हम चाहते हैं खूब खुँप से खूब तर मिले मुझे सबसे अच्छी जॉब मिले मुझे सबसे अच्छे मेरे नंबर आए मुझे सबसे अच्छी तनख्वाह मिल रही हो मेरे सबसे अच्छी जगह पर शादी हो यानी दुनिया के मामले में हम चाहते हैं बेस्ट वहां कोई नहीं कहता कि बस मुझे जो है ना जो भी है टूटा फूटा कुछ नसीब हो जाए काफी है कोई नहीं है कहता हर बंदा बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाता है लेकिन दीन के मामले में अक्सर लोगों का रवैया क्या होता है कि बस हमें बताओ बेर मिनिमम क्या चाहिए कम अज कम क्या करो क्योंकि जो भी चीज ऑप्शनल है दीन में वो तो हमने सवाल ही पता नहीं होता वो हम कर लें हमें बताओ बेसिक क्या करने वाले काम है अल्लाह ताला यहां बता रहा है कि तमाम इंसान खसारे में सिवाय वो जो के ये चारों पेपर क्लियर करेंगे आमन साल वह तबासबिलहक व क्या है? वो ईमान लाते हैं ईमान किस पर लाते हैं आमन अबिल्ला छह चीजों पर ईमान लाते हैं अल्लाह पर ईमान लाते हैं अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाते हैं आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं अल्लाह के रसुलों पर ईमान लाते हैं क्यामत के दिन पर ईमान लाते हैं और अल्लाह तला की तकदीर पर ईमान लाते हैं अल्लाजीना बिल गैब ये गैब पर ईमान लाने वाले लोग हैं सो सबसे पहली बात यह कि ईमान लाते हैं ईमान जो है ना इसका ताल्लुक आपके अमाल के साथ होता है डायरेक्टली इन अमल अमाल बिन नियात तो नीयत कहाँ होती है कहीं हवा में तो नहीं होती नीयत आपके दिल में ही होती है और नीयत क्या होगी अल्लाह के लिए होगी अल्लाह जो है वो यानी हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और इंसान को आखिरत का डर होता है कि भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला मेरी आखिरत सवार दे जन्नत चाहता हूं जहन्नम नहीं चाहता ठीक है तो ये सारी चीजें आती हैं किसी भी अमल से पहले तो मेरे अपने टीचर्स अल्लाह उनको लंबी उम्र फरमाए कहा करते थे बेटा, जिस दिन तू अल्लाह और रोजे के पर ईमान ले आया ना सही मानो में ये मैं तब की बात करूं जब मैं न्याया -न्या दीन में आया था तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जब तू सही मानो में अल्लाह और रोजे के पर ईमान ले आएगा ना उस दिन से तेरा चलना फिरना उठना बैठना इस बात की गवाही देगा कि तू अल्लाह और रोजे के पर ईमान ले आया वरना बातें करना तो बहुत आसान है बातें करने को तो बंदा अपने आप को कुछ भी कह दे कि जी मैं मुफ्ती अकूं अलामा मौलाना हजरत जो अप, मर्जी अपने आप को लगा हाजी साहब सूफी साहब शेख साहब जो मर्जी कहें अपने आपको आप कहने को आप अपने आप को रॉकेट साइंटिस्ट कह लें कौन रोक सकता है आपको कहें आप अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट कह दें मैं जी बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट हूं आप अपने आप को ब्रेन सर्जन कह दें कहते हैं कहने से क्या होता है कहने से कुछ नहीं होता आपके अमाल बताते हैं तो जो बंदा अल्लाह और रसूल पर और क्यामत पर ईमान लाता हो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर चेंज होगा यानी जो ईमान है ना ये आपका सॉफ्टवेयर होता है ये आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसकी बेसिस पे आपका हार्डवेयर चलता है जैसा आपका ईमान होगा उसी हिसाब से आपका हार्डवेयर चलेगा अगर आप अल्लाह को मानते हैं रोज क्या को मानते हैं नबी करीम को अपना रोल मॉडल समझते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर अच्छा होगा अगर आप अल्लाह ताला को नहीं मानते दिलो दिमाग में ऊपर से दावे आप कर रहे हैं कहते हैं हाँ जी हम आखिरत को मानते हैं लेकिन आप असल में नहीं मानते आपको लगता है आपने मरना ही नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली आपका अमल जो है वो डिफरेंट होगा इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया कि जब एक एक बंदा गुनाह कर रहा होता है ना उस टाइम पे उसका ईमान चला जाता है बिल्कुल इस तरह आपने हाथों को अल्लाह करके बताया कि उस टाइम पे उसका ईमान चला जाता है क्योंकि जब एक चोर चोरी कर रहा होता है ना तो वो उस टाइम पे ईमान गया हुआ है क्योंकि अगर उसको पता होता कि अल्लाह देख रहा है मैंने क्या के दिन जवाबदेह होना है तो वो कभी ऐसी जो है हरकत ना करता जो इंसान किसी का कत्ल कर रहा होता है उस कत्ल करते वक्त उसका ईमान चला जाता है चोर चोरी करते वक्त कत्ल करते कर, जो ना मतलब करते वक्त और जानी जिना करते वक्त इनका ईमान उस पॉइंट पे चला जाता है क्योंकि अगर इसको पता होता कि अल्लाह मुझे देख रहा है मैंने क्यामत के दिन जवाब देना है यामल मिसकौ इन शर रही तो यह हरकत कभी ना करता तो सबसे पहले आपका है आमन ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं फिर वो और आमाल सलिहा करते हैं यह दूसरी पॉइंट है उनका कि ईमान भी लाते हैं आमाले सालिया भी करते हैं यह नहीं कि यह ना या ईमान लाते हैं या माले सालिह करते हैं दोनों करने पड़ेंगे अदीन आमन व आमिल साल आमाले साल क्या होते हैं नेक आमाल। नेक नेकमाल वो नहीं है जो मैं और आप अपने दिमाग में खुद ही घड़ लें कि मेरा ख्याल है ये अमल नेक होता होगा या मेरा ख्याल है ये अमल नेक होगा ऐसे नेक नेकाल नहीं होते नेक अमल कौन सा होगा सबसे पहली बात उसकी होगी कि जो भी नेक अमल होगा वो नीयत उसमें खालस अल्लाह के लिए होगी जैसा कि मैंने अभी हदीस कोट की थी सही बुखारी की पहली हदीस जो है नीयत पर है तो सबसे पहले नेक अमल के होने के लिए नीयत का अल्लाह के लिए खालिश होना जरूरी है दूसरी शर्त यह है कि वो जो अमल हो रहा है वो एन शरीत के मुताबिक होना चाहिए ठीक है और एक तीसरी ओवरऑल इनकम्पस की ईमान की हालत में जारी बात है पहले अल्लाजी अमन हुआ है ना पहले ईमान लाओगे फिर अमाले साले करोगे तो ईमान आ गया अच्छा जी फिर उसके बाद अमल साल वो होगा जो कि नीयत अल्लाह के लिए होगी और वो अमल खुद शरीयत के मुताबिक होगा इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर पूरी नहीं है तो वो साल अमल नहीं हो सकता मिसाल के तौर पे एक बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है खूबसूरत तिलावत कर रहा है वाह कमाल तिलावत कर रहा है लेकिन इसलिए कि मेरे जो हमसाएं हैं ना वो मेरी आवाज सुने और कहें वाह वाह कमाल कमालकारी साहब कमाल हो गए जी अल्लाह की दिजाक के लिए नहीं कर रहा एक बंदा नमाज पढ़ है लेकिन दिखावे की अल्लाह तारा फरमाते फवईल मुसलिन अल्लादीन सलाम साहून बर्बाद हो गए नमाज पढ़ने वाले क्यों भाई बर्बाद क्यों हो रहे हैं इसलिए क्योंकि ये दिखावे की नमाजें पढ़ते थे तो ऐसा भी कभी कभार होता है कि इंसान अमल तो नेक कर रहा है अमल तो बड़ा नेक है नमाज पढ़ना कुरान की तिलावत करना अल्लाह की में खर्च करना बड़े नेक नेकाल है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं है जैसे हदीस में आता है कि सबसे पहले जो लोग मुंह के बल घसीटते हुए झन्ना में फेंके जाएंगे उनमें से एक आलिम दीन होगा एक शहीद होगा और एक बहुत माल खर्च करने वाला ये फिलानथरपी और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में तो जब इनसे पूछा जाएगा कि भाई तुम ने ये किसके लिए किया तो कहेंगे ये अल्लाह तेरे लिए किया अल्लाह ताला इन सब को कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो तुम लोगों ने मेरे लिए नहीं किया तुम लोगों ने अपनी वो फेम और फॉर्च्यून और उसके लिए किया था कि तुम्हें लोग जाने के तुम बड़े कोई चीज थे तो इसलिए ये एटीट्यूड जो है ना कि इंसान नेकी तो कर रहे हैं अमल तो नहीं कर अब शहादत पा लेना अल्लाह की राह में आलिम दीन होना या अल्लाह की राह में खर्च करना ये तो सारे बड़े से काम है लेकिन नीयत इसमें अल्लाह के लिए नहीं थी तो एक तरफ अल्लाह ताला जो है बड़े से बड़े काम करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन नीयत अल्लाह के लिए नहीं थी इज इक्वल टू जीरो हो गया करोड़ों रुपया किसी बंदे ने खर्च किया लेकिन वो अल्लाह के लिए नहीं था तो वो मल्टीप्लाई बाय जीरो लग गया उसके साथ ठीक है और एक तरफ एक बंदा है जो खर्च नहीं करता लेकिन दिल में इरादा रखता है कि अल्लाह अगर मेरे पास पैसे होना तो मैं तेरी राह में लगाऊं दिल से सोचता है दिल से सोचता है कि अल्लाह मेरे पास अगर हो मैं तेरी राह में लगा दूं तो इसको अल्लाह अजर दे देता है क्योंकि अल्लाह ताला आपको सोचने पे भी अजर <सद्वासभी> दे देता है नेकियों का अल्लाह ताला, ताला अजर जो है वो सोचने पर भी दे देता है तो इसलिए इंसान जो है ये देखता है कि अल्लाह ताला कितना रहमान और रहीम है कि अगर मैं और आप अभी एक एक्सरसाइज करते हैं मैं और आप अभी इसी वक्त ये सोचते हैं कि हम अल्लाह ताला के लिए क्या बड़ा काम करना चाहते हैं भाई सोचने पे तो कोई टैक्स नहीं है ना कि कोई हुकूमत आपको टैक्स देती है कि जी आप इस पे टैक्स दें तो आप सोचें कि जी या अल्लाह मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए सिर्फ तेरी रजा के लिए या अल्लाह मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूं जहां पे साइंसेस भी पढ़ाई जाए जहां पे इस्लाम भी पढ़ाया जाए जहां से बहुत इंटेलिजेंट लोग निकलें जो दुनिया का नक्शा बदल के रख दें और पूरे दीन में इस्लाम जो है वो फैल जाए और मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए करना चाहता हूँ आप ये इरादा करें अल्लाह कबूल कर लेता है अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो इसको दस गुना और मिल जाएगा सात सौ गुना और मिल जाएगा लेकिन सिर्फ सोचने में भी ना अल्लाह आपको अजय दे देता है अब आप सोचें दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना है मैंने गरीबों की मदद करनी है मैंने यह करना है कि आप छोटी सी मिसाल ले लें आप सोचें कि इस लेक्चर के फौरन बाद अपनी अम्मी को जो है ना अफतारी में हेल्प करनी है अफतारी बनाने में हेल्प करनी है या मैं अपने किसी छोटे बहन भाई को ख्याल करूंगा या करूंगी ठीक है तो आप ये सोचते हैं तो आपने सोचा हो सकता है नहीं वो आप भूल गए लेकिन अजर आपको मिल गया आपको पता है आपने एक अच्छा काम सोचा आपको अजर मिल गया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सालिया तो अमाल सालिया के अंदर क्या है एक चीज आपकी नीयत का साफ होना अल्लाह के लिए होना दूसरी चीज क्या है कि शरीय के मुताबिक होना उस अमल का अब एक बंदे की नीयत बहुत अच्छी है लेकिन अमल गैर शरीय है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक खातून है वो कहती हैं कि मैंने एक फैशन शो करना है इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में और वहाँ पे मैं दुनिया भर से मॉडल्स को बुलाऊंगी वो बड़े नामनासिब किस्म के और बेहया किस्म के कपड़े पहनेगी और उनकी डिस्प्ले होगा कैट वॉक होगी सारा कुछ होगा हल्ला गुल्ला म्यूजिक श्यूजिक ये वो सब कुछ होगा और ये सारा का सारा जो फैशन जो है ये मैं खालि अल्लाह की रजा के लिए करना चाहती हूँ क्योंकि जो इससे पैसे निकलेंगे वो मैंने फकर और मशाकिन में कुछ परसेंटेज उसकी बांट देनी है तो ये मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ क्या ऐसा अमल जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है जवाब है नहीं होता क्यों क्योंकि अमल गैर शरीर था जो हरकत आपने की है वो बिल्कुल गैर शरीर है गैर शरीर हरकत करके कैसे अल्लाह को राजी कर रहे हैं आप एक और मिसाल देता हूं एक बंदा है वो खालि अल्लाह की रजा के लिए बिल्कुल खालि अल्लाह की रजा के लिए भरे चौक में जाके अपने आप को बम छुड़ा देता है कि ये हालात बड़े खराब है मुल्क को, को में सारे चोर डाकू बैठे हुए हैं तो इनका इलाज यही है कि इनको सारों को ना किसी पब्लिक जगह पे जाकर बम से जब तक उड़ाएंगे नहीं लोग नहीं मरेंगे जब तक कुछ सौ दो सौ बंदा नहीं मारूंगा तब तक इनको ये उठेंगे नहीं अपनी अपनी नींद से तो मैं जाकर ना ये काम करता हूँ उसने खालि अल्लाह की रजा के लिए किया उसकी नीयत तो अल्लाह ही जानता ना लेकिन क्या ये अमल शरीयत के मुताबिक था नहीं था क्यूं? क्यों क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में कि जिसने एक जान का भी ना हक कत्ल किया गया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया तो इसने तो पूरे बाजार में जाके अपने समेत सो दो सो बंदा मारा है। तो ये नीयत आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो जाए अमल शरीयत के मुताबिक नहीं है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो अब अमाले सालिया कौन से होते हैं नीयत भी ठीक हो अमल भी ठीक हो ये नहीं कह सकते कि देखो अमल तो गलत है मुझे पता है लेकिन यू कैंट जज मी बिकॉज मेरी नीयत अच्छी है नो आपके जाहिर पे जजमेंट हो सकती है कि जाहिर तौर पर जो आपने हरकत की है वो गैर शरीर थी ठीक है एक लड़का लड़की जो है वो अकेले बाग में घूम रहे हैं यूनिवर्सिटी में आप उनको फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनके उनमें से किसी को जानते हैं तो आप कहते हैं भाई भाई ये ये बाद में जाके आप कहते हैं ये तो ठीक नहीं था तो वो आगे से आपको आगे कहते हैं कि भाई आप हमें जज ना करें ठीक है आप हमारी नियत क्यों नहीं जानते इवेंचुअली हम लोगों ने तो शादी कर ही लेनी है छह सात साल में तो बात यह कि ये जो जाहरी तौर पर आप कर रहे हैं ना ये अलाउड नहीं था ये जो ना महरम आपस में फ्रैंक हो रहे हैं इस तरह से और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने ये जायज नहीं था तो आपका अगर आप इतने सिंसियर है तो प्रपोजल भेजें सीधे सीधे तरीके से साफ साफ प्रपोजल भेजें हो गया तो ठीक है नहीं हो तो कोई बात नहीं आगे चलो ये क्या कर रहे हैं आप तो बात यह कि आपका अमल भी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए नियत भी शरीत दोनों चीजें होंगी तो वो अमाल सालिया में आएगा अदरवाइज वो अमले सौलह नहीं है तो फरमाते हैं लदीना अमन वह अमलहत दो चीजें हो गई व तवासु बिल हक व तवासु तो सब्र अगली दो हक की तरफ दावत देनी है हक की तरफ बुलाना है और सबर और सबर की तरफ बुलाना है हक की तरफ बुलाने से क्या मुराद है आप में से हर ने नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है अल्लाह तारा फरमाते हैं सूरान में तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए भेजे गए क्यों ताकि तुम अबर बिल मारूफ करो नेकी का हुक्म दो बुराई से रोको और अल्लाह तारा पर ही मान तो हम में से हर बंदे ने नेकी का हुक्म देना है बुराई से रोकना है। ये किसी खास ग्रुप का नाम का, का, का जो ना काम नहीं है कि जी यूथ क्लब वाले ही करेंगे आप भी करेंगे इंशाल्लाह हम तो करेंगे करेंगे हमारा तो काम है ही हमारा तो हमारा तो फुल टाइम काम यही है ठीक है और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी तरह काम करेंगे अलहमद लाला सलाह सब कुछ जाए कर दे लेकिन आप भी करेंगे चाहे आपने वीडियो शेयर कर दिया हो चाहे आपने किसी को किताब शेयर कर दी हो चाहे आपने नोट्स लेके किसी को बता दिया हो कि भाई मैंने आज ये पढ़ा है किसी को आपने बुरा काम करते देखा हो आपने जाके उसको मना किया हो प्राइवेटली प्यार से मोहब्बत से जो भी है आपने भी करना है आपने किस तरह करना है अपने इल्म के बकदर और अपनी इस्तात के मुताबिक यानी यू हैव टू डू दिस बेस्ड अपॉन योर कैपेसिटी एंड योर नॉलेज जितनी आपकी कैपेसिटी है उसमें आप करेंगे जितनी आपकी नॉलेज है, आप है उसमें आप करेंगे जिस चीज का इलम नहीं है उसके में खामोश रहो उसमें बोलने की जरूरत नहीं है अब आगे कोई बंदा आपसे आके तलाक के मसाइल पूछ रहा है अब ये नहीं कि आपको हाँ भाई तलाक दे दो कोई मसला नहीं ऐसे नहीं है यहां पे आप की तरफ रेफर करेंगे कि भाई ये मेरा एरिया नहीं है मुझे नहीं पता हाँ बहुत सी चीजें अलमारूफ अमर बिल मारूफ मारूफ चीजें वो आपको पता है। नमाज पढ़नी चाहिए रोजा रखना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए माँ बाप का एहसान करना जो है ना उनके साथ एहसान करना चाहिए हराम रिलेशनशिप नहीं करनी चाहिए शराब नहीं पीना चाहिए ये सारी चीजें आपको पता है तो ये तो हर किसी को पताई जा सकती है ये बेसिक्स हैं ये हर बंदे को पता होती हैं ये आप कर सकते हैं लेकिन जहां पे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स आते हैं शरीयत के जैसे कि इनहेरिटेंस की बात आ गई है कि जी विरासत में किस तरह तकसीम होगा ज़कात के पेचीदा तलाक के मसाइल आते हैं ठीक है जिहाद के मसाइल हैं नॉलेज सारे सारे चाहिए होता है तो वो केसेस आप रेफर करें बाकी आप लोगों के साथ डील कर सकते हैं तो हर बंदा वास हक का मतलब ये है कि हक की तरफ वसीयत करना वसीयत कब होती है वसीयत इंसान तब करता ना जब इंसान कोई मर रहा होता है तब तब वसीयत करता है ना कि भाई ये मेरी वसीयत है अच्छा मुझे अपने दोरे जाहलीत में बैक इन माय जे डेज जब मैं दीन पे नहीं था मुझे याद है ये पुरानी मैंने वैसे हॉलीवुड की फिल्में बहुत देखी हैं लेकिन इंडियन और पाकिस्तानी से मेरा इतना पाला नहीं पड़ा लेकिन पढ़ा है बहरहाल कभी ना कभी जो है ना कोई फैमिली में जरूरत तो मैंने जब भी इस तरह की मूवीज का कोई एंड का सीन देखा ना तो वहां पर कोई ना कोई बंदा मर ही रहा होता है कोई अब्बा जान मर रहे हैं किसी की मां का इंतकाल हो रहा है और वो जो मरने वाला सीन होता है वो आपको पता है ओवरली ड्रामेटिक होता है लंबा खींच रहे हैं उसको मरने में भी कोई पंद्रह मिनट लग जाते हैं हालांकि गोलियों से उसका जिसम जो है वो छली हुआ होता है तो वो पंद्रह मिनट में वो क्या बात हो रही होती है कि बेटा मेरे मरने से पहले मेरी जायदाद यहां बांट देना और असल में जो ना शंकर ही तुम्हारा असल भाई है और इस किस्म की कि कोई बड़ी जबरदस्त सी बात बताई जाती है तो द पॉइंट इज कि ये जो मौका होता है किसी की डेथ का ये बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है बड़ा ही इमोशनल टाइम होता है और उस टाइम पे जो बंदा बात बता रहा होता है वो पूरी फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ना वो वहां पर निकल रहा होता है कि असल में जो है ना हकीकत यह है कि ये क्योंकि बंदा तो मर रहा है उसको पता है मैं जाते जाते कोई ऐसी बात बताऊं जो कि प्राइसलेस है जो बहुत वैल्यूएबल है इसके लिए अच्छा अब जरा इसको यहां पर इस सारी बात को रखिए अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों बताया आपको इमेजिन करें कि आप अपने छोटे भाई को यह कहते हैं कि जो है ना भाई नमाज पढ़ा करो वो नहीं पढ़ता तो भाई नमाज पढ़ा करो या, जो या आपकी छोटी बहन है आपकी तो बहन नमाज पढ़ा करो वो कहते नहीं आपने कहा दफा जाकर नमाज पढ़ो निकल जाओ यहां से जाओगे नमाज पढ़ो भागो जाकर नमाज पढ़ो ये ये एक तरीका तो ये है ना छोटे बहन भाइयों के साथ इस तरह डील करते हैं आप अच्छा अब आप सोचें कि, और वो अक्सर नहीं मानते क्योंकि हम इतना डांट रहे होते हैं उनको तो वो कहते हैं भाई ये क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ इमेजिन करें कि अगर अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे आपको खुदा ना खासा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपके पास बस मुश्किल से आधा घंटा रह गया आपकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है इतनी क्रिटिकल कंडीशन है आपकी कि यू आर ऑन योर डेथ बेड इंटेंसिव केयर में अल्लाह माफ करे आप एडमिटेड है और वही आपकी छोटी बहन या आपका छोटा भाई जो है आपके बिस्तर के सराहाने खड़ा हुआ है और अब आप उसको यह कहना चाहते हो जाने से पहले दुनिया से जाने से पहले डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया उन्होंने कहा बस हम नहीं कुछ कर सकते आई एम सॉरी आप उसको जाने से पहले आप ये कहना चाहते हो कि भाई मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनो देखो मैं तो दुनिया से जा रहा हूं लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर तुम मुझसे प्यार करते हो अगर तुम मुझे तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी कोई इज्जत है या कोई रिस्पेक्ट है या अगर तुम मेरा जरा बराबर भी रिकार्ड करते हो तो प्लीज मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन नमाज ना छोड़ना प्लीज मैं मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे भाई मेरी वसीयत समझ लो इसको कि प्लीज कभी नमाज ना छोड़ना क्योंकि जान लो कि नमाज मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है क्या पहला सवाल नमाज का होगा सो मेरे भाई मेरी सारी बातें अगर एक तरफ रखो तो बस ये एक कि नमाज ना छोड़ना अब मुझे बताएं कि ये जो वसीयत आपने की है ये, ये ज्यादा अच्छी बात आप अच्छे तरीके से बात बताइए पहले आप कहते हैं दफा जाकर नमाज पढ़ो किसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा आपको लगता नहीं है कि आपके बहन या भाई इस बात को सुनकर कहेगा कि भाई भाई मेरा चला गया दुनिया से नो डेथ होगी उसकी तो उसने एक ही वसीयत की थी नमाज के बारे में ये मैं नहीं छोडूंगा इंशाल्लाह तो कहने का मकसद ये कि जब भी आप लोगों को दीन की बात बताएं ना तो ऐसे बताएं जैसे कि आपकी उनसे आखिरी मुलाकात है ऐसे बताएं जैसे कि आपकी उनसे आखिरी मुलाकात है आप इसके बाद उनसे शायद कभी ना मिलें हर दफा आप कोई टॉक हो कोई बात हो कोई लेक्चर हो या कोई वैसे किसी से नॉर्मल बात भी हो किसी को नेकी का हुक्म देना हो तो ये सोचा करें कि भाई मेरा तो कोई गारंटी है ही नहीं कि मैं कब तक रहूंगा तो मैं अपने दिल से बात करूं इसको और जो भी दिल से बात निकलती है वो असर रखती है ठीक है जो भी बात आप दिल से कहेंगे ना उसका असर होगा तो बजाय चीखने पुकारने के और चीखने चिल्लाने के और बगैर हमत के बात करने के वतवास बिल हक हर बंदे ने करना है और वतवास बेसब्र क्योंकि इस रास्ते में हर बंदा आपके गले में फूलों के हार नहीं डालेगा आपको तकलीफ का सामना भी करना पड़ेगा तो उसके लिए फिर तैयार हो जाए और सबर की खुद भी सबर करें दूसरों को भी सबर की तलकिन करें कि सबर करोगे तो लाइफ में आगे चाहोगे वह बशरीन सबर करने वालों को खुश सुना दी जाए तो माय डियर सिस्टर्स ये चार चीजें इनके बीच में ना वाव आता है एंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्ट करने के लिए आमन वालिहात व तबासबिलह व तो सबर ये भी करेंगे ये भी करेंगे ये भी करेंगे ये भी करेंगे इनमें से एक पेपर भी अगर मिस हो रहा है ना एक में भी कंपार्ट आ रही है एक में भी फेल हो रहे हैं तो आप खसारे में ही हैं से बाहर निकलने के लिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे आ, गेट्स 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 लॉजिक जिसमें एंड और और गेट्स पढ़ते थे ना तो एंड गेट्स का मतलब क्या होता है कि जब ये सारे चीजें सिग्नल कनेक्टेड होंगे तो फिर आगे सिग्नल जाएगा वरना नहीं जा सकता दिस 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 ऑल हैव टू बी कनेक्टेड इनमें से एक भी डिस्कनेक्ट हुआ, हुआ है तो सिग्नल आगे जा ही नहीं सकता और गेट में ये ये था कि ये भी चलेगा वो भी चलेगा इनमें से कोई भी चल गया तो सिग्नल निकल जाएगा लेकिन एंड गेट में सारों है। तो यहां पे इल्ला आमनू सबर। ये चारों करोगे तो पास हो गए आपने कहा जी मैं ईमान लाता हूं और हमारे सोलिया करता हूं लेकिन दूसरों को मैं नेकी का नहीं देता नहीं पास हो सकते देना पड़ेगा ये काम करना पड़ेगा अदरवाइज पास नहीं हो सकते अगर आपने बैर मिनिमम पूछा था ना कि दीन में आने के लिए बैर मिनिमम क्या है ये बैर मिनिमम है ये चारों काम करने लाजमी है वरना पासिंग मार्क्स नहीं है वरना पास नहीं हो सकते वरना इंसान खसारे में है और जो खसारे में है वो जन्नत तो नहीं हो सकता खसारे वाला जन्न में कैसे जा रहा है खसारे वाला जन्म में होगा तो इसलिए यह चारों काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ये है सूरत असर यह है वो सूरज जिसके बारे में इमामत शाफी रही फरमाते थे कि अगर इंसानों की हिदायत के लिए एक सूरत ही नाजिल होती है तो ये काफी थी अब आप सोचें कितनी ये पावरफुल सूरा है और कितना ही पावरफुल इसका मैसेज है हमारे लिए अडॉप्ट करने के लिए अच्छा अब आते हैं जी आज का दूसरा हमारा जो टॉपिक है जो सूरा अल अलहमजा है सूरा नंबर एक इस सूरा के अंदर ये मक्की सूरा है और इसमें बात की गई है उन लोगों की जो के जिनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पहले बता देता हूं एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दूसरों का मजाक उड़ाना लोगों को मॉक करना लोगों को रिडिक्यूल करना एक ये इनकी एक ये क्वालिटी बयान की गई है और दूसरी क्वालिटी है कि पैसे इकट्ठे करना पैसे जमा करते रहना और यानी वहां खर्च ना करना जहां खर्च करना बनता था ठीक है तो ये दो चीजें अब इसका पिछली सूरत से क्या रिलेशनशिप है रिलेशनशिप ये है कि उस सूर में बताया जा रहा है सूरत तो में इंसान वक्त निकल रहा है इंसान खसारे में जल्दी से बिफोर टाइम रन आउट नेकी वाले काम करो इस सूरह में बताया जा रहा है वो लोग जो अपना टाइम टोटल जाया कर रहे हैं क्या कर रहे हैं लोगों को चुगलियां कर रहे हैं बैक बाइटिंग कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं और पैसे के पीछे भाग रहे हैं सारी एफर्ट कहीं और लगा रहे हैं हालांकि अल्लाह बता ते अगर खसारे से निकलना तो ये चार काम करने वाले इनकी डायरेक्शन बिल्कुल उलट है तो ये बताया जा रहा है कि जो सूरत असर के बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं फरमाया यानी हो बर्बादी हो हलाकत हो तबाही हो किसके लिए अब हुमजा, हुमजा और लुमजा के लिए अभी हुमजा और लुमजा क्या है अभी आपको बताता हूं पहले तो वही डिस्कस करते हैं वही का मतलब होता है यानी इंसान को जब बहुत रिग्रेट हो रहा होता है कि हाय हलाकत हो हाय बर्बादी हो हाय काश मैंने ऐसा ना किया होता यानी ये वो जो रिग्रेट की फीलिंग है ना ये उसके लिए कि क्या कम आई थी इनके लिए जो हमजा और लुमज़ा है तो और सूरतों में भी ये वही इस तरह के यानी इस इस्तेमाल की ठीक है वही मुतफि ठीक है तो अला सुमात्र फरमाते हैं यहाँ पे वहीजा अब यहाँ पे हुमजा क्या है वो जो के दूसरों के ऊपर तोहमतें लगाने वाला लुमजा क्या है वो जो के लोगों की रिबते करने वाला बैकबाइट करने वाला हुमजा वो है जो मुंह के ऊपर लोगों को इंसल्ट करता है मॉक करता 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 है रिडिक्यूल करता है बिलिटल करता है रिडिक्यूल बिलिटल और लुमजा क्या है जो पीठ पीछे ये सारे काम करता है अगलों की बैकबाइटिंग करना तो यहां पे कहा जा रहा है वही लुल्ली कुल्ली हर किसी के लिए बर्बादी है यानी चाहे वो अपने आप को बड़ा कोई आलम दीन समझता हो चाहे वो अपने आप को कोई पीएचडी स्कॉलर समझता हो चाहे वो अपने आप को फलान समझता हो जो भी है किसी किस्म का भी स्लैंडर करने वाला और बैकबाइट करने वाला इनके लिए बर्बादी है तो ये ये क्या कर रहे हैं ये लोग वो हैं जो कि अपने टाइम को इन चीजों में बिजी रखते हैं हर वक्त दूसरों के बारे में कंसर्न रहते हैं दूसरों के बारे में ऐसा की बात रखते हैं और ऐसा रवैया इंसल्टिंग एटीट्यूड भी इसमें शामिल है यानी जरूरी नहीं है कि प्योर स्लैंडर ही हो कभी कभी हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं हम किसी को कहते हैं कि यार तू तू बहुत बहुत है है अब इसमें हम कह तो रहे हैं कि तू है। लेकिन कहने का मतलब क्या है टोन क्या है कि तू लायक है तू है कभी कभी कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं कि ओ व्हाट अ जीनियस यू आर ठीक है ठीक है तो वो जीनियस भी हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि एज अ कॉम्प्लीमेंट हम उसको एज ए इंसल्ट कह रहे हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वही मजा तिल्लो मजा जो लोगों की इंसल्ट कर रहा है या उनके मुंह पे उनको ताने दे रहा है उस पर उसके लिए भी बर्बादी और जो पीठ पीछे कर रहा है उसके लिए भी तो यहाँ पे हमारे आजकल तो ये कल्चर बन चुके हैं आप देखें यूट्यूबर्स बहुत सारे ऐसे हैं बहुत सारे स्टैंड अप कमेडियंस हैं उनका टोटल काम ही हमजा है अल्लाह अकबर कबीरा यानी टोटल क्या हो औरत है आप देखें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे अगलों को रोस्ट किया जा रहा है अगलों को बैश किया जा रहा है या तो पब्लिकली उनको क्रिटिसाइज और इंसल्ट किया जा रहा है उनका मजाक बनाया जा रहा है या उनको पीठ पीछे किया जा रहा है इधर वे यानी लोगों का जो आप जैसे ही इंसान है आप जैसे मुसलमान है उनको आप पकड़ के सुबह शाम आपने अपना प्रोफेशन बना लिया है लो मजा तो ये खास तौर पर नाजिल हुई अल अखनस बिन शुरैक के लिए और वली बुगीरा के लिए मुफसरी ने लिखा कि ये दो वो लोग थे जो कि ये काम करते थे मजा लो मजा करते थे तो तौर पर उनके लिए लेकिन फिर ये हर लिकुल जो कि कहती है तो हर किसी के लिए अप्लाई करती है जो भी आप उनके बाद करेगा और उसके नक्शा करने पर चलेगा अक्सर मैंने देखा हमारे यहाँ आंटियों में यह बड़ी बात कॉमन होती है कि किसी जगह पे जाती है ना तो वहां पे कोई लड़की उनको नजर आ जाएगी अब उसको जा कि अच्छा बेटा अभी तक शादी नहीं हुई हाय अभी तक शादी नहीं हुई अच्छा या किसी की शादी हुई है अच्छा अभी तक बच्चे नहीं हुए ओहो अभी तक बच्चे नहीं ये बेसिकली ना अपने आप को इन्फ्लेट कर रहा होता है बंदा अगले को इंसल्ट कर रहा होता है कि अच्छा तुम्हारे नहीं बच्चे हो रहे अच्छा मेरी के तो हो गए तो तीन है माशा तुम्हारी बच्चे की शादी नहीं हुई मैं तो मेरी तो तीनों की हो गई है मैं तो बड़ी खुशी हूं अगले को ये इंसल्ट करने का तरीका होता है तो इंसान को ना अपनी बात के बारे में बड़ा एहसास रहना चाहिए कि मैं क्या मुंह से निकाल रहा हूं और जो मैं बात कह रहा हूं अगले को मैं इंसल्टिंग टोन में कह रहा हूं या किस अंदाज में कह रहा हूं और क्या मेरी इन बातों से किसी को आ, किसी के दिल को चोट तो नहीं पहुंचेगी भाई उसका उसका मामला है हो, शादी होनी होगी हो, हो, हो जाएगी उसकी इनशाला तला के फैसले हो जाएगी इनशाला बच्चे होना ना होना ये भी अल्लाह पे छोड़ दें आप क्यों इतनी टेंशन पड़ी हुई है एक मुसलमान के बारे में नबी करीम ने यह बात सुनाई कि मुसलमान जो है वो उसकी एक क्वालिटी होती है वो अब ही माइंड इज ओन बिजनेस उसको दूसरों के मैटर्स में प्रोब करने की जरूरत नहीं है वो अपने काम से काम रखता है कि जहां पे आप अपने सारे काम हाँ दावत तबलीग आप करें वो वो ठीक है वो आप कर सकते हैं यहां पे आप किसी की यानी अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर आप बिल्कुल करें जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं लेकिन अगले की शादी हुई नहीं हुई बच्चे नहीं हुए आपस में कोई उनका प्रॉब्लम चल रहा है भाई उन्हें शेयर करना होगा वो खुद ही कर लेंगे आपसे आप ब्राय मेहरबानी जो है ना वो प्रोब करने की कोशिश ना करें सो तो ये वो लोग हैं और ये क्यों करते हैं एक तो ये होता है कि इससे पहले कि मुझे को मौक करें मैं पहले कर देता हूं एक वजह ये होती है एक होती है कि अपने आप को शो ऑफ करना चाह रहे होते हैं अच्छा मेरा तो ये हो गया तुम्हारा नहीं हो, ओ, ओ, बड़ा अफसोस हुआ या फिर ये होते हैं कि वो वैसे ही जो है ना किसी का मजाक उड़ाने के लिए बस ऐसी चीप एंटरटेनमेंट के लिए शायद वो ये काम करते हो सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक नबी करीम ने पूछा लोगों से कि क्या तुम्हें मालूम है कि किबत क्या होती है तो साहबा ने कि फरमायासोल्ला आप यानी अल्लाह रसूल को बेहतर पता होगा तो आपने फरमाया कि गीबत यह होती है कि तुम अपने भाई के बारे में वो बात कहो जो उसको पसंद नहीं है यानी अपने भाई भाई के पीछे पीछे वो बात कहो जो उसको पसंद नहीं है तो साहब ने फरमाया कि यारसूल क्या यानी अगर हमारे भाई में वो बात हो जिसकी हम बात करें यानी अगर वो बात उसमें है तो फिर तो आपने फरमाया तो फिर यही तो बैक बाइटिंग है यही तो गीबत है क्योंकि अगर वो बात उसमें नहीं है और आप बात करो फिर वो तो तोहमत लगाना है और ये उससे भी बदतर चीज है तो असल में यानि अपने भाई के बारे में उसके पीठ पीछे तो है। अगर उसमें वो ना हो फा अः मिसाल के तौर पर बहुत बदतमीज आदमी है फलाम बंदा बहुत बदतमीज है अब अगर वो बदतमीज नहीं है और आप कह रहे हो तो फिर तो ये तो और बुरी बात है कि आप उसके बारे में झूठ उसके ऊपर जो है ना मंसूब कर रहे हो अबू धाऊद की हदीस के मुताबिक नबी करीम ने अलिसराबल में राज के सफर पर एक ग्रोह को देखा जो अपनी छातियों को और अपने चेहरों को कॉपर के नाखनों के साथ ना लंबे लंबे नेल्स के साथ ना चीर रहे हैं अपने चेहरों को और अपनी छातियों को चीर रहे हैं तो आपने जब पूछा कि ये कौन लोग हैं जबरील जबरीलम से पूछा कि जबरील के कौन लोग हैं तो उन तो जबरीलम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में एक दूसरे का गोश्त खाया करते थे गिबतें करके और लोगों की इज्जतों को पामाल किया करते थे आज ये अपने ही चेहरे नोच रहे हैं क्योंकि दुनिया में उन्होंने लोगों की इज्जतों को पामाल किया लोगों की गिप्तें की आज ये अपने चेहरों को नोच रहे हैं और सुनन तिरमिजी की हदीस के मुताबिक नबी करीम फरमाते हैं कि जो अपने भाई की इज्जत का दिफा करेगा अल्लाह ताला के दिन उसके चेहरे को आग से बचा लेगा यानी जो अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा करता है यानी कहीं पे बैक बाइटिंग हो रही है ना तो आपने सुना कि कोई किसी के बारे में कह रहा है आपने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज भी हैं और जो ना वैसे भी हमें इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए तो जो अपने भाई की इज्जत के दिफा के लिए आएगा अल्लाह ताला की के दिन उसके चेहरे का दिफा करेंगे जहन्नम की आग से अल्लाह हु अकबर कितनी कितनी पावरफुल बात है बजाय कि हम किसी की सुन रहे हैं हम भी बीच में अपने टू सेंट्स डालें कि हाँ मेरी तरफ से भी सुन लो कि हाँ वो खबीस भी है कमीना भी है और मेरी तरफ से ये सुन लो कि खाता भी बहुत ज्यादा है तो बजाय आप उसमें मजीद तड़का लगाएं और अपनी मिर्च मसाला डालें आपके ऐसी बात ना करो यार असल में जहां कोई दो चार उसकी बैड पॉइंट्स बता दी उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स भी हैं और वैसे भी हमें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए होती है ये तो ये तो हमें ना करना चाहिए आगे फरमा रहे हैं यानी इसके अलावा के अलावा क्या मसला हैदा ये वो लोग हैं जो माल को जमा करते हैं वाद ददा और हर वक्त गिनती करते रहते हैं उसकी यानी माल इकट्ठा भी करना है और गिनतियां भी करनी है सुबह शाम बस पैसे के पुजारी है इसी इसी तगदो में लगा हुआ है सुबह शाम मटीरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल गुजार रहा है पैसे कमा रहा है बस यही यही काम चल रहा है और उसी को गिरता रहता है कि मेरे आप अब, अब कितने हो गए अब कितने हो गए आप कितने हो गए टोटल फोकस अल्लाह की रिजानी माल है वह तो हब्बन जम्मा दिल में जो है ना माल की मोहब्बत है सही बुखारी की हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रोज़ दो फरिश्ते जो हैं वो उतरते हैं और एक कहता है कि ए अल्लाह आज जो बंदा सदके में देगा उसके साथ रहम का मामला करना और जो शख्स भी जो है वो उसको रोकेगा उसको तबाह कर दे हर रोज दो फरिश्ते उतरते हैं हर सुबह सदक में दो फरिश्ते उतरते हैं और अल्लाह तारा से दुआ करते हैं कि अल्लाह आज जो तेरी राह में खर्च करेगा तू उसको से बेहतर है जरदा फरमा तो उसको से बेहतर दे और जो रोकेगा उसको बर्बाद कर दे तो यकीन माल कमाना मसला नहीं है कमाए खूब कमाए लेकिन निकलना भी चाहिए आउटफ्लो भी होना चाहिए सही बुखारी की कोर अदीस जहां पे नबी करीम ने उस शख्स का जिक्र किया कि एक इंसान मर गया और उसके यानी ऐसा शख्स था जिसके को बहुत सारी नकियां नहीं थी लेकिन एक नैकी उसकी थी वो क्या थी कि जब भी वो खरीदो फरोख करता तो वो लोगों के साथ ना आसानी का मामला करता कोई इसे कर्जा लेने आता वो माफ़ कर देता कोई कहता कर्जे में मुझे डिले चाहिए उसको डिले मिल जाती कि हाँ ले लो कोई बात नहीं मतलब किसी बंदे ने कर्जा लिया उसने कहा यार अभी नहीं दे सकता तीन महीने बाद दूंगा कोई मसला नहीं यार तीन महीने बाद देते कोई मसला नहीं या कभी कोई आया उसने कहा मेरे पास पेमेंट नहीं है कहता कोई बात नहीं तू ना भी दे तो कोई मसला नहीं आपने फरमाया कि इस शख्स को अल्लाह तला माफ कर देगा जब ये अल्लाह तला की बारगाह में हाजिर होगा ना हालांकि था ये वैसे गुनागार था लेकिन लोगों के साथ क्या मामला करता था कि कर्जे शर्जे लेन देन में पैसा दबा के नहीं रखता था खूब निकालता था किसी को कर्जा दे दिया किसी को फ्लाह कर दिया किसी को मदद कर दी तो क्या मत कितना अल्लाह तला उसको जो है ना वो बख्श देगा कि भाई तू मेरे से बड़ा खर्च करने वाला तो नहीं है मेरे से ज्यादा रहमदिल तो तू नहीं है मेरे से ज्यादा तू बंदे का खैर ख्वाह तो नहीं है मेरे से ज्यादा तू इंसानों को जाने वाला भी नहीं है तो तूने मेरे बंदों को माफ किया था आज मैं तुझे माफ करता हूं अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा आगे फ़रमाया, मैं यबू मा लहू अखलदा ये वो था जो समझता था कि उसका माल जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगा यह यानी कि वो वो आ, समझता था उसको लगता है उसका गुमान ये था अन्ना, अन्ना मालू उसका माल अखलदा जिस तरह हम कहते हैं ना खालदीना फी अबदा तो खालिदीना यह अख लदा हमेशा रहेगा तो वो सोचता था कि उसका माल जो है ये हमेशा रहेगा और उसको हमेशा रखेगा आज भी जिस तरह बहुत सारे अः होते हैं ना वो क्या करते हैं या मिलियनर भी हो वो क्या करते हैं कि वो माल खर्च करने के बाद ना जब अपने उम्र के आखिर हिस्से में आते ना तो वो अपने नाम में कोई चीज बना के छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका माल जो है ना उनका नाम जिंदा रहेगा मेरे नाम की एक फाउंडेशन बना दो मेरे नाम को, कोई पैसे इतने सारे अब कान लगे तो कब्र में तो जान ही रही पैसे अब क्या करूं फला वो मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम जिंदा और यानी जो ना वो जावेद रहेगा आ, आगे फरमाया कल नहीं कला नहीं हरगिज नहीं कोई शक नहीं इस बात में लयुम बजन्ना का मतलब है कि उसको फेंक दिया जाएगा फिल होता होता क्या है ऐसी चीज जो कि इंसान को तोड़ दे क्रश कर दे टुकड़े टुकड़े कर दे यानी हुतम कहते हैं तोड़ने को ना हतमा कहते हैं जब पौधे जो है ना वो सुकड़ के डस्ट बन जाते हैं जब होता है ना कि पौधे जब आप देखते हैं ऑटम सीजन आता है पत्ते सूखते हैं उसके बाद इस तरह बिल्कुल यानी क्रश हो जाते हैं तो ये क्या है जी ये उसको हुतमा में फेंका जाएगा हुतमा क्या है अल्लाह तार फरमाते हैं वमा अदरा का मलहोतमा और तुझे क्या मालूम कि कहतम क्या है ना नाकदा अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह की आग है जलाई हुई अल्लाह अकबर कबीरा देखिए जिस चीज की नस्बत अल्लाह से कर दी जाए उस चीज की अजमत में इजाफा होगा ना आपने कहा किताब उल्लाह। किताब किताबल्लाह अब वो किताब जो है वो क्या किताब है जो किताब किताबुल्लह है बेतुल्ला अल्लाह का घर वो कितनी बड़ी चीज है जो अल्लाह का घर है आप कहते हो रसूल अल्लाह का रसूल है अजमत है ना सब चीजों की नाकतल्ला वो जो साल सलाम ने ना उठनी अल्लाह ताला की उठनी फकाल रसूल नाकत अल्लाह अल्ला की उठनी है अल्लाह अल्ला की उठनी को मत कुछ कहना साल सलाम ने को रोका तो हर चीज जिसकी नस्बत अल्लाह से जोड़ी जाती है वो क्या ही चीज़ है यहाँ पे कहा जा रहा है ना अल्लाह की आ है अल्लाह अकबर कबीरा आप सोच सकते हैं वो क्यों वो कौन सी आग होगी जिसकी नस्बत अल्लाह से की जा रही है ये किन के लिए वही लुल्ली खुल्ली मजा तिल्ल मजा उन लोगों के लिए जो हम लो मजा करते थे अल्लाह की मखलूक को टॉर्चर देते थे अल्लाह की मखलूक को अब्यूज करते थे उनको इस आग में फेंका जा रहा है नारो ऐसी भड़कती हुई आग जो अल्लाह की आग है अल्लाफा ऐसी आग जो लोगों के अफ़िदा कहते हैं दिल को दिलों के ऊपर लपक लपक के पहुंचेगी ऐसी आग है जो इंसान उसमें जब जाएगा लपक लपक के इंसान के ऊपर आ रही होगी और उसको अपने अपनी लपेट में ले लेगी और ये ऐसी आग है जो उनके ऊपर लपेट दी जाएगी उनको बंद कर दी जाएगी मुसदा बेसिकली कहते हैं जहां पे किसी पिंजरे में जानवरों को बंद किया जाता है तो ये ऐसी आग है जो उनको चारों तरफ से ना एक पिंजरे में बंद कर देगी इसमें इस आग से निकलना पॉसिबल नहीं है कोई स्केप नहीं है ये वो लोग थे जो लोगों की रिबते और स्लैंडरिंग करते थे तोहमतें लगाते थे रिबते करते थे और साथ साथ क्या करते थे कि माल इकट्ठा करने में मुलिस थे अपने टाइम को ज़ाया कर रहे थे पिछली सूरा में जो हमने पढ़ा था वाला इंसान गुजर इसके बिल्कुल अपोजिट इनका लाइफ स्टाइल था तो ये आग इनके ऊपर लपेट दी जाएगी फी आ, फी अमदिन मोहम्मदा और फिर क्या होगा कि इसके जो पिलर्स हैं इसके जो यानी ऐसे पिलर्स होंगे इसके जो ऊपर तक जा रहे होंगे खेच के ऊपर ले उनको जो ना ले जाया गया यानी आप सोचे जो पिक्चर पेंट की जा रही है वो ये है कि पिलर्स बने हुए हैं आग के जिस तरह एक पिंजरा होता है ना उस पिलर्स के अंदर एक बंदा बंद है अब जब वो ऊपर उसको एक दरवाजा नजर आता है कि मैं यहां से निकल सकता हूं वो उस दरवाजे की तरफ जाने के लिए ना इन पिलर्स पे चढ़ेगा लेकिन पिलर्स को जब वो टच करता है तो वो तो आग के बने हुए और वो स्कॉर्चिंग आग के बने हुए वो उनको टच करता है वो जल जाता है लेकिन फिर भी वो एफर्ट करता है क्योंकि अंदर भी तो जल ही रहा है ना वो तो वो उनको पकड़ के चलने की ऊपर कोशिश करता है और जब वो थोड़ा ऊपर जाता है तो वो फिसल के नीचे वापस गिर जाता है क्योंकि ये पिलर इतने ऊपर तक स्ट्रेच हैं कि ये वहां तक जा ही नहीं सकता और ये फिर वापस आग में गिर जाता है और वो आग लिप, लपक लपक के उसके दिल को भी अपने अंदर लपेट लेती है यानी अंदर से बाहर से वो आग उसके अंदर से भी निकल रही है उसके बाहर से भी आ रही है वो पूरी तरह से आग के अंदर कबड़ हो जाता है अल्लाह अकबर कबीरा देखिए कितनी सख्त आयात है कि जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है उसके साथ ये मामला होगा और किस तरह से उसको तबाह किया जाएगा और ये प्रोसेस उसके साथ होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा बार बार वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा बार बार वो गिरेगा बार बार वो जलेगा और फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा हमेशा हमेशा के लिए इतनी सख्त बात इतनी सख्त बात यह कुरान मजीद का वो हिस्सा है जहाँ पे अब जो जहनम का तस्करा है वह आखिरी दफा हुआ है इस अंदाज में और सबसे बड़े सख्त अंदाज में किया गया और यहां बता दिया गया कि बस यहां पे बताया जा रहा है कि जहन्नम जो है ना वो क्या है कि उसकी कितनी जबरदस्त होनाकियां है अच्छा अब आप अगर देखें कि इस सूरा के शुरू में और आखिर में हम क्या रब जोड़ते हैं वो ये कि वहील किसके लिए की गई थी हलाकत और बर्बादी का जिक्र किया गया था आखिर में बता दिया वो क्या बर्बादी है वही उल्ली खुली मजा तिलो मजा वो वही क्या था वो ये था जो आखिर में बताया गया फमदिन मोहम्मद एंड में आके ये बता दिया और किसके लिए कुलजिल सबके लिए चाहे वो किसी भी जगह से उसका ताल्लुक हो किसी तरह का भी इंसान हो अगर वो ये दो गुना करता है तो उसके लिए ये सज़ा है तो आप सोचें कि हमें ये सरा जो है ना ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितने पानी में उमर उलखताब रदों जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात यह बाशाह कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता वो अल्लाह के प्यारे वो नबी के साथी कहा करते थे पूछा करते थे सदना हुजैफा से रद से कि क्या मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं है क्या मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं है मुझे बता दो तो सिद्धा हुजैफा ने उनको बताया कि नहीं नहीं मेरा मोम्रीन आपका नाम नहीं है बाकी मैं डिस्कलोज नहीं करूँगा लेकिन आपका नाम नहीं है क्योंकि नबीम ने सदना हुजैफा को नाम लिखवाए थे मुनाफिक के कि ये सारे मेरे उम्मत के मुनाफिक हैं इनके नाम लिख लो तो ना उमर को अपने बारे में ये था तो हम कैसे इतने रिलैक्स बैठ जाते हैं हम कैसे अपने आप को समझते हैं कि हम इन सारे अजाबों से भरी हैं क्योंकि हम थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं थोड़ी सी कुरान पढ़ लेते हैं तो जी हम माशाल्लाह पाक हो गए सारे के सारे ऐसे कैसे हो गया असल बात यह है कि मैंने और आपने ये देखना है कि कहीं हम तो नहीं इस गुना में मुलब हो रहे सो इस सूरा में और पिछली में हमने आज दो सूरतें कवर किए सुरसर और सूरा हमजा सराह असर में बताया गया कि वक्त जो है ना वो निकल रहा है तो अपने इस टाइम को इस्तेमाल करो ये चार काम करने के लिए अल्लाजी आमन ये काम करो इसमें अपने आप को बिजी करो इसमें अपने आप को मसरूफ रखो अगर तुम खसारे से निकलना चाहते हो सूरत में बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम नहीं कर रहे बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं और ये आपको नजर आएगा कि हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस सुबह शाम शामा लुमजा चल रहा होता है चाहे वो टॉक शोज में हो चाहे वो यूट्यूबीज में हो चाहे हमारे घरों में हो हमारे रूम्स में हो हमारे ब्रेकफास्ट टेबल पे हो यही चल रहा है और हर बंदा माल के पीछे भाग रहा है दौर है पैसे का पुजारी बना हुआ है हर इंसान इन चीजों में लगा हुआ है और हमारे इन्हीं के लिए वो सबसे शदीद अजाब का जिक्र किया जा रहा है कि जो इनके लिए होगा तो अपने टाइम को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और इस तरह के उल्टे कामों में इस्तेमाल ना करें अल्लाह तब को नेक हिदायत दे अल्लाह तल हम सब से राजी हो जाए हमें हमारी गलतियाँ कोतियाँ जो हमसे हुई उनको माफ़ फरमाए हमें हमेशा ये तौफीक किताब फरमाए कि हम अल्लाह की राह में नेक काम ही करें अल्लाह हम सब को माफ़ फरमाए इस रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर जो भी हमारी इबादत हैं सब कबूल फरमाए और आखिरत में हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फ़रमाए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ट्यून करने का हर रोज़ मेरी सिंसियर दुआएं आप सबके साथ हैं